सो है गाइस, इट्स मी ईशान लती। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ एमसी स्टैंड की एटीट्यूड किंग वीडियो पे, जिसका ये पार्ट थ्री है। ऑलरेडी मैंने पार्ट वन एंड पार्ट टू मैंने अपलोड कर दिया है। आपने उन दोनों को बहुत सारा प्यार दिया और मैं चाहता हूँ इसको भी प्यार दें। और अगर आपने पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसको देखें, उसके बाद यहाँ पे आना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इस वजह से ज़्यादा खुश हूँ कि एमसी स्टैंड अब तक बाहर नहीं निकला। वन मंथ तक एमसी स्टैंड को नॉमिनेट करा गया है, लेकिन एमसी स्टैंड बाहर नहीं निकला। उसके जो फैंस है, एमसी स्टैंड के जो फैंस है, उसने एमसी स्टैंड को टॉप पे रखा, सबसे नंबर वन पे एमसी स्टैंड को रखा गया था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अच्छी बात है कि एमसी स्टैंड को बाहर नहीं निकाला। और दूसरे नंबर पर जो बात है, जो नया लड़का जो है वह एमसी स्टैंड के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है, उसको हेट मत देना बिल्कुल भी। वो इसलिए एमसी स्टैंड के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि एमसी स्टैंड गेम को खेले, समझ रहे हो। यू नो, वो बात अलग है कि आप लोग एमसी स्टैंड को प्यार दे रहे हो, प्यार मैं भी दे रहा हूँ। मुझे पता है एमसी स्टैंड कैसा कैसे नहीं, मुझे पसंद है, ठीक है। वो हमें देख रहा है, हमें दिख रहा है, वो इसलिए हमें पसंद है। वो एक्चुअली ये हो रहा है कि वो इसलिए उस बंदे को भेजा गया है अंदर, ताकि वो अंदर जाए एमसी स्टैंड को बोले गेम खेले। और अगर ऐसा हो गया, एमसी स्टैंड जीत गया बिना कुछ गेम खेले जीत गया, तो बाहर ये बातें होंगी कि बिग बॉस हाउस में सिर्फ फैन फॉलोइंग की वजह से क्या नाम है अपना, वो गेम पूरा जीता गया है, एमसी स्टैंड तो गेम खेलता ही था, हमारे साथ अनफेयर हुआ। सिर्फ इसी वजह से जो उस बंदे को अंदर भेजा गया है कि एमसी स्टैंड थोड़ा खुलकर बाहर आए। और वो ऐसा हो चुका है जब से उसको अपनी बूबा की, मतलब हमारी भाभी की, जब से उसको टी शर्ट मिली है, तब से ऐसा हो चुका है कि एमसी स्टैंड फुल पावर एंड फुल जोश में आया हुआ है, ठीक है। मैंने बातें बहुत सारी कर ली आप लोगों से, और चलो लेट्स गो, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत याद आती है बेटा, बहुत दिन हो गए तेरे से बात नहीं हुई। बस तू सबके साथ अच्छा रहे, सबसे मोहब्बत से रहे, खाना टाइम पे खाया कर बेटा, अपनी सेहत पे ध्यान दे, खाना अपने हाथ से ले लिया कर, और सबको अल्लाह कामयाब करे, बस मेरी यही दुआ है। चल बेटा ठीक है, तेरा खुद का ध्यान रख, ज्यादा ऐसा उदास मत रहे, तुझे उदास देख के हमको भी बहुत बुरा लगता है। बस चल, अल्लाह हाफिज। क्या भाई रो रहे हैं, ऐसा ही जो दिख रहा है, ऐसा ही है ब्रो, अप्रिशिएट यू ब्रो, यू फील मी आई फील। बात मत कर, ये ना दिखा था मैं किसी लड़की है, दूसरी लड़की कड़की है, जिसपे सबकी हट्टी है, तीसरी हम पे मरती है, खुशी सब समझती है, चोर मेरे गली में वो तो साला मंत्री है। कभी झगड़े नहीं करने का यार, कभी कोई ना कंटल है मेरे गली में, पूरा करके वट ली है, पुलिस आई गली में, मेरे शूटर सारे वट ली है, जो बोल रहा था करता हूँ मैं अपनों में गेम, दिखा मैंने इतना की खत्म हुआ पेन, सब या फिर आज नवी दे घर माओ तो ब्रो या फिर असलियत में, जिसने मेरा फील करा पेन, फेमस होने के लिए मेरा यूज करने, ये बज गाने बज रहे सेम। सारे एपिसोड्स देखती हूँ मैं एंड ऑल सीजन, बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि इस बार इस सीजन में इतने सारे अलग अलग किरदार है, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है, इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं। स्पेशली मेरा फेवरेट है एमसी स्टैंड ब्रो, ही इज किलिंग इट। आगे वाले वालों को भी कोई जीरो, मेरे बॉम्बे में बन जाएगा अच्छी, कोई इधर फायरों के लिए देख रही थी ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अंदर में हो गए ना गरीब, हां करता मैं बस्ती को, सर पी ऐसा बनाया, कैसा तू कैसा के तू ये ऐसा 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 ये हां हां अरे ऐसा ऐसा ये ऐसा करके ऐसा सर ये हां
ये हाँ भाई, मेरा नाम तो क्या आधा शैतान आधा इंसान। मैं आखिर 12 सीजन होस्ट कर चुका हूँ, ऐसा आइटम पहली बार आया है। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, आपको क्या लगता है कौन विनर बनेगा? प्रियंका लगती है मुझे। प्रियंका लगती है आपको, प्रियंका विनर बन सकती है। हाँ। और नेक्स्ट आपको कौन लगता है, आपके बाद किसके जाने के ज्यादा चांसेस है? यू फील मी एमसी स्टैन। एमसी स्टैन सीरियसली? आप तो भूल गए हैं, बट कि एमसी तुम जीत कर आना, ट्रॉफी लेके आना। क्या जीतेगा वो? अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने गांड में उंगली किया ना, अभी बता दे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने गांड में उंगली किया ना, अभी बता दे। MC Stan सच बताओ, सही जा रहे हो या गलत? सर मेरे हिसाब से सही जा रहा हूँ। आप रसे इस हफ्ते आप गए हो, क्या चांसेस लग रहे हैं आपके बचने के? सर 50% लग रहा है। 100% तू सेफ है, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। अर्चना, मेरे को अर्चना लगती है क्योंकि वो सबके प्रोफेशन पे जाती है, उसको मालूम पर नहीं मैं कौन है, इधर साइलेंट क्या है क्या नहीं, इसे तो बाहर जाके मालूम पड़ेगा उसको। ज़्यादा कौन वायरल है? मैं इसमें टीवी पे ही है, रुकना अर्चना। अच्छा सोशल मीडिया पे नहीं हूँ मैं, अच्छा टीवी पे हूँ बस। उनको तो बात करने दो। सबसे ज़्यादा तो एमसी का है।
सीरीज का बोल रहे हो बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं yes, आता सर आई एम अ नंबर वन फैन सारे एपिसोड्स देखती हूं मैं एंड ऑल सीजन बड़ा मजा आ रहा है सर क्योंकि इस बार इस सीजन में इतने सारे अलग अलग किरदार है इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं स्पेशली मेरा फेवरेट है एमसी स्टैन ब्रो ही इज किलिंग इट हस्की ब्रो आ गए भाई लोग अभी गलती लो मैंने बॉम्बे में बन जाए गच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो ब्रो हस्की का हस्की ब्रो अगर मैं हो गया गरीब ठीक से करता मैं बस्ती को भड़वे कर रहे नकली शो आया नहीं गया क्या मालूम क्या हो गया इनको मेरे को नींद में से उठा नहीं गया क्या मालूम क्या वो मेरे इतना अच्छा कर रहे हैं ना तू कर ही नहीं रहा है कुछ जैसे मेरे रहा है जैसे तुम मेरे लिए सवाल आया है ना कि नीचे जा रहा है इंटरेस्टेड नहीं है मेरे लिए आए हाथ बीतते नहीं सिर पे डाय बाकी मैं एमसी स्टैंड के लिए ही आया जग गया जगाया तू आज भी को मस्ती का हस्ती ब्रो आगे ले वालों कभी गलती ब्रो मैंने बॉम्बे में बन जाए गच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो मैं मस्ती का हस्ती ब्रो अमीर मैं हो गया गरीब हां की पिसन करता मैं मस्ती को ए भड़वे कर रहे नकली शो गौतम इज लाइक क्यूट बट इसका एमसी स्टैंड से पंगा नहीं लेना चाहिए उन्होंने ना गौतम ने ज्यादा रिएक्ट कर दिया था मेरे ओपिनियन के हिसाब से और एमसी अभी तक हर मैटर में राइट है मेरे हिसाब से तो शेर अगर एक कदम पीछे ले रहा तो ये नहीं कि वो सो जाएगा सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में जादूगर आए बाजीगर सब जब ही सर उसने अम्मी अब्बा की सर तेरे को इसका नतीजा जानना है एक तेरे को बात बताता हूं जो कि बिग बॉस ने भी अभी तक तुम लोगों को नहीं बताई स्टैन यू आर नॉमिनेटेड फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स लड़की को ऐसा बोलना मतलब बहुत बुरी बात है ऐसा नहीं बोलना चाहिए दैट वॉज नॉट एट ऑल करेक्ट वो एग्रेशन में वो जो उसने बोला बॉयफ्रेंड का थिंग दैट वॉज ऑल्सो रॉन्ग According to me, MC Stan was wrong at that point. Stan was totally wrong because you know before भी जब गौतम भी उसके साथ उसको support किया तो तब भी उसने उसको बोला कि मैं तेरा friend नहीं हूँ and all stuff. शिव को बोलना चाहिए था कि तू लड़की से बात कर रहा है तो तुझे जरा limit में रहके बोलना चाहिए था. ਇਦਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਇਦਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ आया नहीं गया क्या मालूम क्या हो गया इनको मेरे को नींद में से उठा नहीं गया क्या मालूम क्या वो मेरे इतना अच्छा कर रहे ना तू कर ही नहीं रहा है कुछ जैसे मेरे रहा है जैसे तुम मेरे लिए सवाल आया ना कि नीचे जा रहा है इंटरेस्टेड नहीं है मेरे लिए आए हाथ बीतते नहीं सिर पे डायरेक्ट अरे जग गया जगाया तुमने आदमी को देखो जगाया आदमी को जहाँ डाल दे और एमसी स्टैन एक वाहियात ऐसा बंदा है जो एक महीने के लिए नॉमिनेट था ठीक है और उसके जो फैंस लोग हैं एमसी स्टैन के फैंस लोग ने इतना प्यार दिखाया एक महीने में उसको बाहर आने ही नहीं दिया वो बेचारा हाथ जोड़ता था कि मेरे फैंस लोग मुझे बाहर निकालो लेकिन नहीं उसके फैंस लोग ने उसकी बात नहीं सुनी उसके फैंस लोग ने उसको अंदर ही रखा कि भाई तो गेम खेल और उसको नंबर वन पर रखा एमसी स्टैन को ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मैं चाहता भी हूँ कि एमसी स्टैन ही जीते और मुझे जहाँ तक लग रहा है चांसेस हैं तो लेकिन पता है क्या सीन होगा फिर ये बोल देंगे कि एमसी स्टैन ने ज़्यादा गेम नहीं खेली वो खेल रहा है ठीक है लेकिन बात ये हो जाएगी कि एमसी स्टैन ज़्यादा गेम नहीं खेल रहा
क्यों? क्योंकि वो लोग बक बक चिक चिक करते हैं, ठीक है, एमसी स्टैंड नहीं करता है। एमसी स्टैंड को पता है उसने कब बोलना है, क्या बोलना है। एमसी स्टैंड बोलता है मैं क्या छोटे मोटे खानों पे लड़ूँ क्या, मैं क्या इस चीज़ पे लड़ूँ, मैं क्या उस चीज़ पे लड़ूँ, क्योंकि वो गलत है। वो खुद कैमरे के लिए लड़ते हैं, खाने के पीछे, उसके पीछे, या कपड़े तूने यहाँ रखे, तूने मास, वो टोटली गलत है, ठीक है। एमसी स्टैंड बोलते मैं इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं जो जहाँ गलत होगा मैं वहाँ बोल दूंगा। एमसी स्टैंड की जो सोच है, जो बड़ा मैटर होगा एमसी स्टैंड तभी बोलेगा, छोटी मोटी बातों में एमसी स्टैंड कभी नहीं बोलेगा। और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दिल से खेल रहे हैं एमसी स्टैंड, इसीलिए जो सबको बाहर इतना पसंद आ रहा है। मुझे भी बहुत, मुझे तो शुरू से पसंद है, मुझे क्या आ रहा है, मुझे तो शुरू से पसंद है एमसी स्टैंड। और ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाई को सपोर्ट करें, प्यार दो, प्यार लें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अब तक, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। और इसका पार्ट 4 आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।